आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। हालिया मिर्जापुर विद्युत खंड प्रथम बिजली विभाग कार्यालय में बाबू पद पर तैनात रोहित कुमार का हालिया एसडीओ द्वारा अवैधानिक रूप से रोहित बाबू का 12 दिन का वेतन काट दिए जाने से नाराज विद्युत कर्मियों ने एसडीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता मिर्जापुर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हालिया एसडीओ पर आरोप लगाया कि एसडीओ मनमानीपूर्ण रवैया से बाज नहीं आते। अगर रोहित कुमार बाबू का 12 दिनों का वेतन जल्द ही वापस न मिला तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रोहित कुमार चौधरी मेरा नाम है। नहीं। मेरे यहाँ जीडी सेकंड में जो है बाबू थे, रोहित जी हैं, हलिया में पोस्टेड हैं और वो पढ़े वहाँ काम करते हैं, लेकिन अवैधानिक तरीके से जो है उनके एसडीओ साहब वेतन काट लिए हैं और ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस दिन का तनख्वाह काटी गई है। उसी के संदर्भ में हम लोग अधिशासी अभियंता महोदय से बात किया। आज अधिशासी अभियंता महोदय ने जो है सकारात्मक हम लोगों का आश्वासन दिए हैं कि यह समस्या का समाधान 3 दिन के अंदर हो जाएगा। है क्या मैटर था, क्या हमारे यहाँ विद्युत वितरण खंड प्रथम में हलिया में एक बाबू हैं रोहित जी। रोहित का 12 दिन का तनख्वाह उनके एसडीओ साहब ने अवैधानिक रूप से काट दिया था। उसी के लिए आज हमारे संगठन ने यहाँ पे अशासी अभियंता के यहाँ धरना प्रदर्शन किया, जिस पर अशासी अभियंता ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उसका वेतन बनाया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।